हेलो हाय नमस्कार प्रणाम और पहला मैं हिमांशी स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सलामत होंगे। तो आज वैसे देखा जाए तो आप देख लोगे मैं किचन में ही हूँ, क्योंकि जो हाउसवाइफ की जो दिनचर्या होती है वो सबसे ज़्यादा किचन में ही किचन की इर्द गिर्द होती है। तो मैं किचन में ही हूँ और मैं जो है किचन की टिप्स बताऊंगी आपको कि आज मैं बताऊंगी आपको कि आटा जब हम गूंथते हैं तो आटे को जो है सॉफ्ट बनाना होता है। अगर सॉफ्ट अगर आटा हमारा गूंथेगा तो उसकी रोटियां रोटियों का जो टेस्ट होता है उसका टेस्ट कुछ अलग होता है। आप ट्राई करना। मैं बताऊंगी कि आटे को हम सॉफ्ट कैसे बना सकते हैं, आटा किस तरीके से गूंदा जाए कि वो सॉफ्ट हो जाए। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और ये वीडियो जो है हाउसवाइफ के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं इसको रहेगी। और तो बने रहे वीडियो में, मैं बताऊँगी आपको। तो आप देख सकते हैं मैंने आटे को जो है इस तरह से छलनी कर दी है यहाँ पे। अब मैं इस आटे को गूँथूँगी। तो मैंने ये एक लोटा पानी रख दिया है और सबसे पहले जो है ये देख सकते हैं आप इसमें है घी। और सबसे पहले हम थोड़ा सा घी को अपने हाथों में लगाएंगे। अगर आटा कम है तो थोड़े से ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने ये ले लिया है घी अपने हाथों में और इस तरह से मैं इसको हाथों से मैश कर लूँगी अपने हाथों में। और आटे को इस तरह से मतलब आप अपने हिसाब से करिए, जितना आपका आटा होगा उस हिसाब से कर सकते हैं आप। तो मैं इसमें डालूँगी पानी और वीडियो को देखते रहिए प्लीज़। वीडियो होगी छोटी लेकिन सबके लिए जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल ये रहेगी किचन में। तो आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने आटा पूरा इकट्ठा कर लिया है, इस तरह से पूरा इकट्ठा कर लिया है। अब हमें ये कोशिश करनी होती है इसमें कि जो भी आटा चिपका होता है हमारी परात से उसको जो है ये जो आटा लगा होता है चारों ओर से ये बिल्कुल भी नहीं लगना होता है। अगर ये निकल गया तो समझ लो कि हमारा आटा गूंथ गया है। तो अब मैं इसे गूंथूँगी वैसे थोड़ा सा। तो अब जो है मैं आटे को गूंथना स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। लगभग 7-8 मिनट तक का मैं आटे को ऐसे ही गूंथ रहा है और ये कोशिश करनी है आटा गूंथते टाइम कि हमें जो है इस तरह से आटे को बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करना है। इस तरह से अगर हम आटे को फोल्ड करेंगे तो नहीं होता है, ऐसा सॉफ्ट नहीं बनेगा, मतलब टाइम लगेगा। इस तरह से जैसे मेरा अभी गूंथ के जैसे ऐसे कर रखा है गोल शेप में, तो इसे मैं ऐसे ही पलटाऊंगी। इसी तरह से पलटाने की कोशिश हमें करनी है, जितनी बार में हम आटे को गूंथेंगे बस ऐसे ही हमें इसे पलटना है। ये अगर हम ऐसे ही इसे बार बार जो है गूंथेंगे तो ये जो है ऐसे चिपकना नहीं, जैसे छोड़ देगा अपने आप ही। और पानी को जो है आवश्यकता अनुसार लेंगे हम, इतना ज़्यादा पानी भी नहीं ले रहे हैं कि हमारा आटा गीला हो जाए और इतना कम भी नहीं ले रहे हैं कि आटा बिल्कुल टाइट हो जाए। देख लीजिए आप आटा जो है थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होने लग गया है। अब देखिए बिल्कुल भी जो है आटे ने चिपकना जो है छोड़ दिया। ये देखिए ये देख सकते हैं आप बिल्कुल भी परात पे नहीं लग रहा है। अगर हमारा आटा किनारों से लगा होता है तो इस तरह से हल्का सा हम गीला कर सकते हैं ये इस तरह से, जिससे हमारा आटा जो है चिपका हुआ पूरा निकल जाता है। और पलटना कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आटे को पलटाना है, हमें पूरा इसी तरह से पलटना है।
तो ये देखिए, और यही आटे की पहचान होती है कि जब आटा पूरी तरह से चिपकना छोड़ देता है चारों ओर से। ये देखिए मेरे हाथों में भी चिपकना छोड़ दिया आटे ने, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि हमारा आटा पूरी तरीके से गूंद गया है। ये देख सकते हैं, मैं आपको अपने हाथ दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी मेरे हाथ में आटा नहीं है, पूरा हाथ मेरा साफ है, लग नहीं रहा है कि मैंने आटा गूंदा है अभी। तो इसका मतलब ये है कि आटा गूंद गया है। ये देख सकते हैं इसके चारों ओर भी कहीं आटा नहीं लगा हुआ है। और अब मैं लूँगी जो है थोड़ा सा सरसों का ऑयल अपने हाथों में। ये मत सोचना कि सरसों का तेल लगाएंगे तो इसमें से सरसों की तेल की जो है महक आएगी रोटियों से बनाते टाइम, तो नहीं आएगी। और इस तरह से हाथ में इसको मैश करके हम अपने आटे में लगा लेंगे। ये देख सकते हैं आटा इतना मुलायम हो गया है और इसकी रोटियां भी इतनी सुंदर बनती हैं। ये देख सकते हैं, ये बॉल की तरह उछल जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा हाथों में, देख सकते हैं आप। तो ये बन गया हमारा आटा, इतना मुलायम बन गया है, आप देख सकते हैं खुद भी। और इस तरह से हम इसे रख देंगे। तो इसमें रख दूंगी मैं आटे को, थोड़ा मेरा ये सुबह का आटा है बचा हुआ, इसको भी मैं इसी में रख दूंगी। ऊपर से इसको रख दूंगी और इसको टाइट से ढक्कन लगा के इसी में रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि गर्मी बहुत है, अगर बाहर रखूंगी तो बदबू आ जाएगी। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्म जो मुझे हो गया आटा गूंथते टाइम। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, और मोस्टली हाउसवाइफ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, कमेंट जो है ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज आपके लिए लाऊंगी। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।